क्यों क्यों लास्ट क्लास बचा हुआ है, तुम भी अमीर हो क्लास में? नो नो भाई, मैं क्योंकि अब एक क्लास में नहीं जाता। अब तो तुम भी दिख रहे हो भाई साहब, हालत खराब हो गया। अभी मिल रहा है आपसे और अभी सुबह का बज रहा है 8:30 लगभग, और हम और इरफान जा रहे हैं सुबह क्लास करने के लिए और सब सो रहे हैं क्योंकि हम लोग ग्रुप अलग अलग है। तो मेरा 8:45 से क्लास है, इसका भी 8:45 फाइनेंस का और मेरा ऑपरेशंस का, ये सीन है गाइस। लगी पड़ी और आराम से वो लोग सो रहे हैं गाइस। बारिश भी हो रही है यहाँ पर, हम लोग छिपे हुए डाकू बनकर जा रहे हैं कॉलेज, यही कॉलेज में उड़ाते चलते हैं इस कॉलेज। आज क्लास हम लोग 7 बजे तक चलने वाला है, 7 बजे तक चलेंगे हम लोग। ये अभी सुबह में दिख रहा है, सीधा शाम में दिखेगा, 3 बजे दिखेगा, 2 बजे भी क्लास है, सब लोग 7 बजे तक चलने वाला है। तो गाइस हम लोग का 3rd क्लास 4th क्लास हो चुका है, लास्ट क्लास बचा हुआ है, तुम भी अभी वो क्लास में जा? नो नो भाई, मैं क्योंकि अभी क्लास में नहीं जाता। तेरा डीसीएम नहीं है क्या? नहीं भाई, डीसीएम मैं पर मारा टीचर अच्छा रहा, जय शर्मा नहीं। अरे भाई हम लोग का गाइस 1 घंटे का क्विज होने वाला है, इसको क्या हो गया बे? ये देखो महबूब आदमी को, ये अलग चल रहा है, अबे कूदने वाला, इसको पोस्ट कर। एक चीज बता दो, चीज बताता, चल बता, ये इसको पहले बचाओ ना। हेलो प्रेसिडेंट आदमी है भाई ये तो, खाना बस चावल थोड़ा सा अच्छा करवा दिया, ये चीज अच्छा हुआ, सही बता रहे हैं। हाँ। पहले से अच्छा चावल करवाया, ये अलग चल रहा है भाई, ये प्रेसिडेंट है, जितने भी हॉस्टल में दिक्कत आएंगे ना सारा ये मामला संभालता है, और जो भी बाहर वाले कुछ भी हुआ तो ये संभालता। नहीं बाहर मेरे क्या है। मैं किस चीज के राम राम। अरे वो मोहित साला नहीं दिख रहा है ना, ये देख रहा है भाई, रूम चेंज हुआ क्या, पार्टनर गया क्या, तो भूल गया मुझे। अब इसका पार्टनर तरंग है। तरंग, अरे बाप रे बाप, बहुत अच्छा, बहुत सही चल रहा है। अभी एक और है। तो गाइस अभी हम लोग क्लास हो चुका है, सुबह 9 बजे से लगभग अपना 7 बजे तक चल रहा है, इतना सारा क्लास अभी चल रहा है, और यही सीन है गाइस। कल 2 क्लास होगा, फिर 2 क्लास होगा, फिर 2 क्लास होगा, इतना सारा क्लास। तुम क्यों इतना दुख दर्द में, क्या हुआ, क्या बोल रहा है पीएमसी वाला, क्या बोल रहा है? अरे वो पीएमसी वाला वो वे ऑफ करा दिया मैंने, लेट फाइन। मतलब अभी फीस भरा था ना, हाँ, एक हफ्ते पहले, हाँ, तो ये 5000 का फाइन लगा था। 5000 का फाइन मार दिया, तो वो सब वे ऑफ। अच्छा क्या बोला विशाल सर को, मेल किया सर को, मेल किया तो दो एक घंटे। देखो फिर से मिल गया, इतने सालों बाद हमारी सीएमसी की लीडर मिल रही है, प्रेसिडेंट फाइनली, इतने सालों। गाइस ये सब खाने छोड़ने नहीं चाहिए, देखो ऐसे करके लेना चाहिए। और तुम फैन फॉलोइंग देख रहे हो? मेरा कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, करण का बहुत फैन फॉलोइंग है गाइस। अच्छा हाँ, कोई फैन फैन फॉलोइंग कोई नहीं है भाई, कोई फैन फॉलोइंग नहीं है। क्या क्या बोल रहा है? तो बगल में बैठा हुआ ना, दीदी बोल दी। किसको दीदी ही ना बोलेगा गाइस, आपको अपनी सीनियर्स की दीदी भैया नहीं बोलना आपको, नाम से क्यों क्यों एक्सक्यूज। अच्छा देखो मुझसे मिलेगा तो भैया मत बोलना, और तो चल चलेगा। हाँ भाई बोलो, क्या बोल रहे थे भाई? मैंने आपका ब्लॉग देखा है। अब तो तुम भी दिख रहे हो, अप्रैल से देख रहे हो, तभी सोचा व्यूज क्यों बढ़ रहा है। फिर भी यहाँ आ गए यार, हम तो पूरा रो बना रहे थे, फिर भी तुम यहाँ क्यों आए? क्या हुआ, क्या दिक्कत है जो यहाँ पर आए? कोई बात नहीं, ऐस कर लो फर्स्ट ईयर। और भाई
बॉडी तो अच्छा बना लियो। हॉस्टल में हो? हॉस्टल में हो? हॉस्टल में हो? बाहर 62 62 में हाँ सही है। चलो भाई घर निकलते हैं। फिर बोल लो भाई। अच्छा डीमार्ट जाना वही बोलना। कौन इनका क्या ही कहना। हाँ दोस्ती थोड़ी अच्छी है ना हम लोगों की। चलो चलते। तो गाइस आज का मतलब दिन का कैसा रहा बता भाई एक्सप्लेन कर कैसा था। मतलब जिसका पेपर अच्छा जाता है जैसे उसको अच्छा ही लगेगा। अच्छा था दोनों का निकले गए। इजी था बहुत अच्छा था। अच्छा और दूसरा वाला जो राजेश शर्मा वो तो और अच्छा था। राजेश शर्मा जो है वो 325 क्वेश्चन दिया था एक घंटे में कंप्लीट कर रहा था क्विज वो भी भयंकर। आज जिंदगी में पहली बार ऐसा क्विज दिया जो कैट का एग्जाम लगा भाई। मतलब 40 मिनट में 75 क्विज करने थे अब आप बताओ कैसे करोगे। 40 मिनट था ना। 40 मिनट कला होती है आपके सीनियर्स को कला है। जय माता दी। वही हुआ है जय माता दी। बस आग बंद करके बंद पड़ा गया पे आ गया। बस भैया यहीं पे रोक दीजिए। पहुंच गया अपने जगह भाई। क्या भाई आज का दिन कैसा था भाई एक्सप्लेन करो। सबसे घटिया। तो गाइस आज सब कुछ खराब गया। सब कुछ घर पहुंचे हम लोग तो लाइट गायब क्योंकि पेमेंट नहीं हुआ था और सिर्फ 10 दिन में 10 दिन पेमेंट लेट हो गया और इन्होंने बिल काट दिया। इन्होंने बिल काट दिया और हमारे लाइट भी काट दिया। बिल क्या लाइट भी काट दिया और हमारे लग गए अगर अंधेरा में बैठे हुए थे। फिर अभी भाई सब कुछ किए हैं ऊपर से कंप्लेन करते हैं तो बोलता है कि 500 रुपये हमें दो हम लाइट जोड़ेंगे। फ्लैट में रहोगे तो सब कुछ धोना पड़ेगा। इससे अच्छा हॉस्टल में रहो गाइस। हॉस्टल में रह रहे हो जो अभी तक बेस्ट है। एक साल बाद पता चलेगा क्या होता है। सीन अभी कुछ ऐसा हुआ लाइट तो लगवा लिया सब कुछ तो हो गया लेकिन अब दिक्कत ये हुआ कि हमारी मेड चली गई है छोड़कर। और हमारी नई मेड वो रूम में बैठी हुई है। मेड भी हमारी छोड़कर चली गई है और खाना बनाने के लिए कुछ है भी नहीं तो हम लोग क्या करेंगे भाई बोलो। अभी तो हम एसी का आनंद लेंगे। तो अभी तो एसी का आनंद लेंगे पहले। बाप रे बाप 500-400 रुपये सीधा मांग रहा था। फाइनली गाइस पूरा हुआ हम लेके आए। अभी हम लोग जाएंगे हमारे पेट का इलाज। इसका पेट ढीला हो चुका है देखो ये पिला रहे हैं इसको कि पेट और ढीला हो जाए। तुम खुद ढीला हो गया। बेल्ट भी ढीला हो रहा है तुमको। वो बेल्ट ढीला है। चलो गाइस यहाँ से हम लोग देखते क्या करते हैं। अभी फिलहाल अभी एसी का हवा लेना यार। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं। सब कुछ हो गया हर कुछ हुआ है। बिजली गया लाइट गया सब गया। और ये आया 8:30 बजे कॉलेज से जिसको उठा के आप लेके जा रहे हैं राशन लाने के लिए। सब फ्लैट का राशन लाना और दो लोग को सब लोग जानते हैं। एक है अभिषेक प्रसाद जो है स्लो मोशन और दूसरा है दमन जो सो रहा है वो सोने वाला आदमी है। तो वो दोनों आए नहीं हम लोग दोनों जा रहे हैं सारा घर का राशन लेकर आएंगे। और प्रणव भी हम लोगों से प्रणव भी आएगा। इस चलते आज डी मार्ट भी चलना है बहुत काम है अपने को बहुत ज़्यादा काम है। आज रात का खाना बाहर है ये चलता है फ्लैटमेट का। अगर आप पूछते हैं तो बहुत बढ़िया चलता है। गाइस हमें सेलिब्रिटी मिल चुका है फाइनली। चेहरा थोड़ा चेंज हो गया है फिर यहाँ पे मिल गया। अब फोन मिल गया इतना छोटा मत कराना भोसड़ी फोन की तो देखा पूरा बाल छिल के आ गया भाई। क्या क्या लिए है तुमने लोग ऐसा सेम ले रहे हैं नहीं लुटाने वाला आदमी है ऐसे ही दिख रहा भाई। हाँ भाई मीट माय न्यू फ्रेंड ये यहाँ से डी मार्ट से खा रहा है अब ये भी खाएगा। हम भी खाते हैं। तुम भी इक्वली पापी हो जितना ये है। तुम भी हो गए अब। आखिर सर कहाँ पे है सो रहे नमन। नमन ढीला हो गया। अरे अच्छा चलो चलो अमूल जी ये पूरा राशन
और ये अपने को पड़ा है 6,500 का, वो तो अलग लेके चल रहा है भाई साहब। आज दोनों हम लोग लेके जाएंगे कैसे वो पता नहीं है, वो दोनों तो आराम से सो रहा है। कोई बात नहीं, जाते हैं। फाइनली घर आ चुके हैं और भाई सामान देखोगे इतना क्या है भाई, ये अकेला ये जानवर खाएगा क्या? भाई साहब हालत खराब हो गया, हम लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए। मैं भी लाया है। अभी तक हम लोग खाना भी नहीं खाया, भूख लगा था। कुछ खाएंगे, पतले हो गए लग रहा है, 3 दिन में साला और 10 किलो गिर गया। इतना सारा सामान है, ये नमन और अभिषेक संभालेगा, हमारा काम था लाना। चलो चलते हैं और आज का वीडियो खत्म करते हैं गाइस, जा रहे डिनर करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है।